स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ पाइरूवेट, यानी कि कौन कौन से ऐसे पाथवेज हैं जिनके थ्रू जो पाइरूवेट है जो ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होके बना है, उसके क्या क्या फेट हो सकते हैं। तो इसमें पाइरूवेट मेटाबॉलिज्म के दो पाइरूवेट दो तरीके से मेटाबॉलाइज हो सकता है। नंबर वन है कैटाबॉलिक एंड नंबर सेकंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक पाथवेज वो होते हैं जहाँ पे कोई भी कम सब्सट्रेट है वो फर्दर स्टेप्स में टूटता है, उसमें एनर्जी यूज होती है, साथ में एनर्जी रिलीज भी होती है। वहीं पे एनाबॉलिक पाथवेज वो होते हैं जहाँ पे जो सब्सट्रेट है उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें एनर्जी यूज होती है और उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरोबिक पाथवे में तीन तरह के हमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, कल हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बाद फर्दर जो स्टेप आता है वो आता है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन नेक्स्ट कम्स आवर एनएरोबिक पाथवे। कैटाबॉलिक में भी दो हैं, एरोबिक पाथवे और एनएरोबिक पाथवे। जैसा कि हमने कल बताया था कि एरोबिक में क्या होता है, जो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है एक सब्सट्रेट और एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक पाथवे में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और उसमें जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली हमारा टूटता नहीं है, पूरी तरीके से वो CO2 एंड H2 रिलीज नहीं करता है। सो नेक्स्ट इज एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या क्या बना सकते हैं हम, अमीनो एसिड्स और हेक्सोजेस। हेक्सोजेस क्या है, ये एक शुगर्स की अलग अलग, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है, 6 कार्बन, जितने भी 6 कार्बन रिंग जो भी शुगर है वो सारी एक्सोज में आती हैं। अमीनो एसिड हमें कहाँ चाहिए होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि प्रोटीन्स के हैं वो हमें चाहिए होते हैं मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, फॉर एंजाइम प्रोडक्शन एंड फॉर अदर वेरियस प्रोसेस में हमें इन्हें चाहिए। तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, जो भी हमारी एनर्जी है वो यूज होगी, जो एनर्जी कैटाबॉलिक पाथवे में रिलीज हुई थी वो वही एनर्जी हमारी जाके एनाबॉलिक पाथवे में यूज होगी, और हम से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, एक्सोजेस, और हम कहीं कहीं पे न्यूक्लिक एसिड भी बनाते हैं जो कि हमारा यूज होता है। कहाँ पे वो हम न्यूक्लिक एसिड हमारे यूज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA। तो यहाँ पे थर्ड हम ऐड कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एनारोबिक पाथवे जो हमने पढ़े थे, यानी कि एनारोबिक पाथवे कौन यूज करता है, यीस्ट यूज करता है। ठीक है, तो यीस्ट में भी अलग अलग इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे अल्कोहल फर्मेंटेशन करना हो हमें, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना हो, प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन हो, या फिर फॉर्मिक एसिड फर्मेंटेशन हो। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट्स में, ने पढ़ा होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज होता है इंडस्ट्रीज में, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूज करते हैं हम फूड एंड बिवरेजेस में। और जितने भी हमारे कहीं कहीं पे फर्मेंटेशन प्रोपियोनिक एंड एसिड फर्मेंटेशन यूज होता है, जहाँ पे हमें प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन है वो यूज होता है जहाँ पे हमारे पास क्या हो, प्रोपेन हो, जिससे हम फर्दर फर्मेंट करके या तो ग्लूकोज से ले सकते हैं 3 मेम्ब्रेन कार्बन, या लैक्टेट से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम अब आते हैं क्रेब साइकिल पे, आज हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को हम TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं।
या एसिटाइल कोएंजाइम का कैटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे, इसलिए इसको एसिटाइल कोएंजाइम कैटाबॉलिज्म चेन भी बोलते हैं। ये हैंस क्रैब, सर हैंस क्रैब ने 1937 में इस सीरीज की, या इस सबसे पहले हैंस क्रैब ने ये रिएक्शंस जो है ये बताई थी, जिसे क्रैब्स चक्र या फिर क्रैब्स साइकिल के नाम से भी बोलते हैं। इस चक्र का प्रथम माध्यमिक यौगिक साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल यानी कि सिट्रिक एसिड। अब हमें ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं इसको, तो इसका ये आंसर होगा कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है यानी कि फर्स्ट सब्सिट जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देन साइट्रिक एसिड अम्ल जो है हमारा वो, यानी कि जो साइट्रिक एसिड है वो 3 कार्बन का ग्रुप होता है, इसलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि TCA भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं TCA, क्योंकि इसमें 3 कार्बन का ग्रुप होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, CO2 कहाँ से हमारी रिलीज हुई थी हमें पता है, एंड हाइड्रोजन युक्त कोएंजाइम यानी कि ऐसा कोएंजाइम जिसके पास हाइड्रोजन हो, कहाँ हो सकता है ऐसा कोएंजाइम, कहाँ पे होगा? पिरिडिन और पिरिमिडिन दो होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड के एक फॉर्म होती है, जो कि यूज आती है किसमें, जो कि कैपेबल है हाइड्रोजन कैरी करने की, इसीलिए इसको इसमें साइट्रिक एसिड के साथ साथ साइट्रिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ साथ CO2 और हाइड्रोजन कोएंजाइम ए यानी कि में ऑक्सीकृत यानी कि जो ऑक्सीडाइज हो। नेक्स्ट, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ये स्टेप नंबर 1 है। देन ये कन्वर्ट होता है सिट्रेट में जो कि 6 कार्बन का है। देन कम्स आइसोसिट्रेट, यहाँ पे क्या होता है NADH2 और CO2 रिलीज होती है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये यहाँ पे कार्बन 5 यानी कि 1 कार्बन हमारी अब CO2 में चली गई, तो पीछे बचे 5 कार्बन, यहाँ पे फिर से NADH2 निकलता है और CO2 निकलती है। देन कम्स सक्सिनाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे 4 कार्बन रह गए क्योंकि हमारे 2 CO2 जो है वो क्या हो गए, निकल गए। देन फिर स्टेप में क्या होता है, 3 ATP निकलते हैं। एक्चुअली में ये 3 नहीं, यहाँ पे ये है GTP है, ये क्या होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हमने सबने सुना है जिसे हम ATP बोलते हैं, लेकिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे 5th स्टेप में निकलता है। एनर्जी ATP के ही इक्वल होती है, लेकिन निकलता है यहाँ पे क्या है गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। देन कम्स सक्सिनेट, भी अभी कार्बन 4 है। देन यहाँ पे क्या होता है FADH2 निकलता है और फ्यूमेनेट में कन्वर्ट होता है। देन ये यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, मैलेट से फिर फर्दर रिएक्शन में 8th स्टेप में NADH2 निकलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि 4 कार्बन का है और 2 कार्बन हमें मिले एसिटाइल कोएंजाइम से।
एसिटाइल कोएंजाइम आया कहाँ से है? ये जो हमारा पाइरूवेट बना था, पाइरूवेट से ये कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये इसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जो हमारी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस जो हुई थी, वो हुई थी साइटोप्लाज्म में। ये हमारी क्रेब जो रिएक्शन है, ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो प्रॉब्लम ये है कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जिसके द्वारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम है वो, सॉरी, जो पाइरूवेट है हमारा, जो हमारा पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस नहीं हो पाता, इसीलिए पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देते हैं हम एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोएंजाइम की जो एफिनिटी होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ मैच होती है, इसकी वजह से ये एंटर कर सकता है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे हम जो साइकिल शुरू हो रही है वो एसिटाइल कोएंजाइम से शुरू हो रही है, जबकि हमने छोड़ी थी पाइरूवेट पे। देन एसिटाइल कोएंजाइम के दो कार्बन और एक्सैलरेटेड के कितने हुए कार्बन, चार, चार और दो छह, यानी कि हम सिट्रेट हमें फिर से मिल गया जो कि सिक्स कार्बन रिंग है, और ये फिर से जो साइकिल है ये कंटिन्यू होती है। अब हम इस बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं क्रेब साइकिल में, जो कि हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को स्मूथली होने में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये टेबल है, आपको दिख रही होगी, इसमें पहला जो है स्टेप है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है कोई भी दो सबस्ट्रेट जब आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि कंडेंस हो रहे हैं, यानी कि उनमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और वो बॉन्ड बना रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम था वो, इसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए था, वो किसके साथ बाइंड हुआ था, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटेट जब साथ में कंडेंस हुए, किसकी हेल्प से, सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से, और सिट्रेट सिंथेस के साथ जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर क्या करते हैं, कोफैक्टर कोई भी रिएक्शन होती है उसको इनहेंस कर देते हैं। इनहेंस करना यानी कि, इनहेंस करना यानी कि उसको बढ़ा देना, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना, और ये हमेशा एंजाइम के साथ ही यूजफुल होते हैं। अकेले कोफैक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारा एंजाइम नहीं होगा। और ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन कौन सी होती है, ये इरिवर्सिबल, यानी कि अनुत्क्रमणीय। इरिवर्सिबल मतलब है कि एक बार ये रिएक्शन हो गई, वापस ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक बार सिट्रेट, सिट्रिक एसिड बन गया सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से, उसके बाद वापस हम एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटेट फॉर्म नहीं कर सकते। देन कम्स सेकेंड स्टेप विच इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हमने कल पढ़ा था, आइसोमर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन होता क्या है, जो फॉर्म है वो बदल जाती है, यानी कि सिट्रेट जो था हमारा वो क्या था, सिक्स कार्बन का था, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या बना है, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट यानी कि शेप है जो सिट्रेट, सिट्रिक एसिड की, वो कौन सी होगी, एल शेप, कौन सी हो गई है, एल शेप।
और एंजाइम जो यूज होता है वो होता है अकोनिटेज, और कोफैक्टर साथ में लगा हुआ कौन सा है, आयरन का ग्रुप लगा हुआ होता है Fe2+। यहाँ पे हम देखते हैं कि Fe की एक और फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं Fe3+। Fe3+ जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और Fe2+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है Fe3+ में। यानी कि ये जो फॉर्म है ये हमें ज्यादातर मिलती है हीमोग्लोबिन में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल में मोस्टली Fe2+ ही 2 वैलेंसी जो आयरन है वही यूज होता है। और रिएक्शन कौन सी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल क्यों है ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं किए हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज की, यानी कि जो ग्रुप्स हैं बस उन्हीं को इधर से उधर किया है, जैसे ये मैं आपको फॉर्मूला बताऊं CH2COO। हम फर्दर आगे देखेंगे इनके स्ट्रक्चर वाइज, हम इसको पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। देन कम्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा है, हट रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, क्योंकि कार्बन हम अकेले कोई भी ग्रुप से नहीं हटा सकते, बिकॉज दैट विल फेच मोर एनर्जी, और कोई भी रिएक्शन है उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो ज्यादा एनर्जी के एक्सपेंस पे कभी भी रिएक्शन नहीं करवाएगा। तो अभी इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 निकली है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो इजीली हम उसको CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम यूज हुआ वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो सब्सट्रेट बन रहा है वो बन रहा है, जब हम CO2 निकल जाएगी किससे, आइसोसिट्रेट से, जब हम आइसोसिट्रेट जो था हमारा उससे जब हम CO2 निकाल देंगे तो जो सब्सट्रेट पीछे बचेगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसलिए जो एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और इसमें कई फैक्टर्स यूज हुए हैं जैसे NAD+, थायोकोएंजाइम, TPP, लिपोइक एसिड, FAD, Mg2+। और ये रिएक्शन कौन सी है, इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार अल्फा कीटोग्लूटेट बन गया किससे, आइसोसिट्रेट से, तो उसके बाद वो रिएक्शन वापस रिवर्स नहीं होगी। देन कम्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है यानी कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट बचा है, यानी कि जो अल्फा कीटोग्लूटेट जो ग्रुप है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या हुआ है, जो अल्फा कीटोग्लूटेट हमारा ग्रुप है उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड हुआ है विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेस। यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में और नॉर्मल फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस है, क्योंकि जो हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस के सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और जो फॉस्फोरिलेशन हमारा हुआ था ग्लूकोज सिंथेसिस में, सॉरी ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म में, उसमें क्या हुआ था, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था जो कि ऐड हुआ था ग्लूकोज पे ऐड हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में जो हमारा फॉर्म है
वो चेंज हुआ है, यानी कि सक्सिनल को एंजाइम सिंथेटेस की हेल्प से यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट है वो कन्वर्ट हुआ है सक्सिनल कोएंजाइम में, और को फैक्टर है COSSS थायो कोएंजाइम, और ये रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन जो हमारी है वो है रिवर्सिबल। देन कम्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होने से हेल्प किसकी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से विद FAD किसमें कन्वर्ट हुआ, ये सक्सिनेट में। सक्सिनेट के बाद ये कन्वर्ट होगा हमारा फ्यूमरेट में, और किसकी हेल्प से, फ्यूमरेज। यहाँ पे कोई एंजाइम यूज नहीं होता है, और इसमें क्या होगा, एक FADH2 निकलेगा। देन ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप हमारा है ऑक्सीडेशन। ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और NAD+ की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटेट में, और ऑक्सैलो एसिटेट हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके फिर से क्या बनाएगा, सिट्रेट, फिर से सिट्रेट बना देगा। तो जैसा कि हम अब हम देखते हैं इनकी रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल की, इसको हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। अब जैसे ये हमारा पहला था पाइरुवेट, पाइरुवेट में क्या हुआ, हमें पता है कि पाइरुवेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए कन्वर्ट किस में होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो अब हुआ क्या कि जो पाइरुवेट है वो NAD+ की हेल्प से और थायोकोएंजाइम की हेल्प से क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे ये जो CO था ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और Mg2+ को फैक्टर, यहाँ पे Mg2+ क्या है, को फैक्टर, और NAD+ भी क्या है, ये दोनों क्या है, को फैक्टर है। तो इन दोनों की हेल्प से और एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है वो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से क्या हुआ, NAD+ थायो यानी कि सल्फर पे जो हाइड्रोजन था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, NAD+ पे, तो ये क्या बन गया, NADH2, यानी कि ये अभी 2.5 ATP के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और CO में ये जो CO2 निकली है ये हमने क्या हुआ, इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया, कैटाबोलाइज, तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब जो हमारे पास पीछे बचा वो बचा सल्फर ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए विद, यानी कि ये जो ग्रुप है इसमें क्या हुआ, इसका एक ऑक्सीजन CO2 में काम आ गया, एक ऑक्सीजन जो था वो CO2 में काम आया है, और एक हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, ये दो हाइड्रोजन। पीछे हमारा बचता है CO ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है ये CO2 बन गया, और ये जो CO2 ग्रुप है ये बाहर निकल गया, और ये जो है ग्रुप ये लेफ्ट आउट होके यहाँ पे आ गया। देन ये ग्रुप एज इट इज हमारा ये आ गया। तो ये स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग शिफ्ट हो रही है। स्ट्रक्चर वाइज इजीली आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देन
एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से जो हमारा ये वाला ग्रुप है, तो ये ग्रुप है ये हमारा निकल जाएगा बाहर। तो फिर हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ये ग्रुप बचा हमारे पास। फिर कौन सा ग्रुप बचा पीछे? ओनली ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, जो कि इसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? सिट्रेट बनाएगा। देन कम्स, हम फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? सिट्रेट बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद CH2COO, देन ये जो ग्रुप है ये हट गया यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि कार्बन की हमें चार वैलेंसी पूरी करनी है। और ये क्या बन गया? सिस एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल सिट्रेट के बाद निकला था, बनने के बाद वही वाटर मॉलिक्यूल वापस हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पे ये क्या हुआ है? आइसोसिट्रेट बन गया, यानी कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो थर्ड नंबर कार्बन पे बॉन्ड बनाया उसने। देन कम्स आइसोसिट्रेट के बाद NADP, यानी कि पिरिमिडिन, या पिरिडिन की हमने जो बात की थी ये वही है, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे जो निकोटीन है ये क्या है? पिरिडीन है। यहाँ पे हमने क्या हुआ, NADP मोस्टली ये प्लांट्स के लिए हम बात करते हैं, और NADH जो है वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल, यानी कि NADH जो है वो हम एनिमल सेल के केस में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके प्लांट बायोटेक है, इसलिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो NADP की हो रही है। NADP कन्वर्ट हुआ NADPH2 में सॉरी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से क्या हुआ, ये ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सैलो एसिटेट में। देन हमारा आता है अल्फा कीटो ग्लूटामेट। अल्फा कीटो ग्लूटामेट कैसे बना? अल्फा कीटो ग्लूटामेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला और हाइड्रोजन ऐड हुई है। देन नेक्स्ट कम्स नंबर स्टेप 4, यहाँ पे क्या हुआ है? NAD प्लस से NADH2, एंड जो हमारा थायो को एंजाइम ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, किसकी हेल्प से? Mg2+ की हेल्प से। देन कम्स सक्सिनाइल को एंजाइम। सक्सिनाइल को एंजाइम, यहाँ पे CO2 ग्रुप निकल गया यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे NADH2 निकल गया, पीछे बचा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। उसमें क्या हुआ, हमारे निकलेंगे GTP निकलेगी, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी ATP में, और साथ में निकलेगा COAC SH, यानी कि थायो कोएंजाइम। किसकी हेल्प से? सक्सिनेट थायोकाइनेज की हेल्प से। देन हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है सक्सिनेट का। कैसे? यहाँ पे एक थायो कोएंजाइम ग्रुप निकल गया और GTP निकल गया, जिससे हुआ क्या, हमें पीछे बचा CH2CO के साथ CH2CO। सबसे इजी स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे फिर FAD कन्वर्ट हुआ FADH2 में, यानी कि दो हाइड्रोजन और कम हो गए। दो हाइड्रोजन कम होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया फ्यूमरेट। क्या बन गया हमारा? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में से फिर वाटर मॉलिक्यूल
ऐड होगा और ये बन जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया और ये बन गया मैलेट। मैलेट बनने के बाद, मैलेट बनने के बाद फिर NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वो यूज अप हो गई और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। क्यों? क्योंकि जो अब कार्बन की वैलेंसी है वो अब 4 हो गई, यानी कि एक ग्रुप हट गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। तो ये साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। और क्रैब साइकिल के बाद जो हमारा आता है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।